अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत होंगे। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइव व्लॉग चैनल। अच्छा जनाब, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह से अभी आई हूँ, मैंने कहा छत पे धूप लगी है तो अब चली जाती हूँ सुबह ना, बट ठंड ठंड थी इसलिए मैं नहीं आई। फिर मुझे पता ना बाद में मैं ही बीमार हो जाती हूँ इसलिए। सो जनाब, छत की कंडीशन वैसे की वैसी है जैसे मैं छोड़ के गई थी, और अभी मैं छत पे आई हूँ। अब मैं जो है ना, मैंने कहा चलो मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और उसके अलावा हाँ, मुझे अपने सब्सक्राइबर्स जो जो मतलब कि कल जो मैं कमेंट्स रीड किया था, मुझे एक कमेंट बड़ा मज़े का लगा। वो कहती कि तुम सच में इतनी अच्छी हो या बस कैमरे के या व्लॉग में बस बनती हो। तो मैंने कहा मैं कौन से स्क्रिप्ट पढ़ के लाती हूँ कि मैंने आकर ऐसे ऐसे बोलना होता है यार, बट ये मीन में अच्छी नहीं हूँ। जनाब ये आपका प्यार है, ठीक है, आप लोग का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। शायद मैं शायद ना अच्छी होती, लेकिन ये आपके प्यार की वजह से जो है ना मैं अच्छी हो गई हूँ। आपके बकौल, ठीक है जनाब। मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही, बस ऐसे ही बोल रही हूँ। सो करते हैं कि रमलिंग आज टेक्सचर जो है ना वो छत पे कम कम ही नज़र आ रहे हैं। तो शुक्र है दो टेक्सचर जो हैं वो फिर से ड्राई हो गए हैं, जिनकी तीन टेक्सचर्स हैं जिनमें से मुझे नहीं, तीन नहीं है, एक है, दो है, तीन और चार है, पांच टेक्सचर्स हैं जो कि ग्रीटी टेक्सचर्स हैं। इनको जो है ना इनकी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लेंगे कल, आज नहीं की क्योंकि मेरे मोबाइल में स्पेस जो है ना वो चार के बाद ख़त्म हो जाती है, चार पाँच वीडियोज़ के बाद। इसके हम क्ले पॉट में क्रमलिंग सोचा था मैंने कि उसमें करूँगी, लेकिन क्ले पॉट जो है ना अभी वो बेचारा हुक है। हाँ मुझे ना एक कमेंट आया था कि कह रही थी वो के टेक्सचर जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, हो गए हैं और एक जैसे ही लगते हैं, लाइक के टेक्सचर्स क्यों उतने हार्ड हो गए हैं, बोर हो गए हैं हम बोर हो गए हैं ना। तो यार वेदर ऐसा है कि यार टेक्सचर्स नहीं होते सही से सॉफ्ट ड्राई, तू बोल। बाकी मैं अपना 100% दे रही हूँ, ठीक है। आजकल वैसे भी सबके ही व्यूज़ डाउन हुए हैं कम्युनिटी में, तो क्योंकि मौसम कुछ वैसा है, डेज़ भी कुछ ऐसे हो गए हैं, बहुत जल्दी दिन शाम हो जाती है ना, तो पता ही नहीं चलता। अभी मैं कहती हूँ यार अभी तो व्लॉग अभी तो एक वीडियो ही अपलोड किया तो शाम पड़ गई है, तो समझ ही नहीं आती। और अब चार या पाँच बजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अब सोने का टाइम हो गया, तो बंदा इनको कब बनाए और वीडियोस कब रिकॉर्ड करे। ये देखें हवा, गर्मियों में हम इस हवा को तरसते हैं। ठीक है इधर आते हैं। ओए मैं बहुत खुश हुई, मैंने ये जो वीडियो रिकॉर्ड की थी ना, शुक्र अल्लाह का कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं हुई और ये वीडियो मुझे दोबारा मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। मैंने जब देखा मैंने कहा ओए थैंक यू। वो पता क्या हुआ था, स्टोरी जब फुल हो जाती है तो फिर वो जो वीडियो होती है ना वो गैलरी में नहीं आती। जब मैंने उसको पिछली जो वीडियोज़ वगैरह एवरीथिंग जो है ना वो वेस्टेज तो जो भी था वो मैंने जो है ना वो डिलीट किया, फिर वो आ गई गैलरी में। हाय मुझे बड़ा सुकून हो गया, मैंने कहा शुक्र है मेरी मेहनत ज़ाया नहीं हुई। मैं बड़े मज़े से क्रमलिंग कर रही थी, इसलिए साथ किसी को होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं खपता आप लोगों के साथ। मेरी मामा जो आती हैं वो मुझे अक्सर गाइड कर देती हैं, लेकिन मैं ना अकेले वीडियो बनाती हूँ ना जब, तो मैं ईजी और रिलैक्स फील करती हूँ यार, इसको नहीं करते क्योंकि ये चार पांच शेप्स रह गई। कल मैं अपना पुराना एक व्लॉग देख रही थी, उसमें मेरी इतनी ज़्यादा टेक्सचर्स और इतने ज़्यादा शेप्स नज़र आ रही थी ना, और मैं कह रही थी यार अब कहाँ गई है, मैं खुद बड़ी वो हो रही थी ना। ग्रे कंक्रीट ये है, ठीक है, जिसका कलर बिल्कुल ही फेड हो चुका है, और ये हमारा मल्टी स्टोन टेक्सचर है। और उसके अलावा ये मैंने वाइट कंक्रीट का जो है ना टेक्सचर इसको शिफ्ट किया है, अब इसमें कंक्रीट मंगा कर इसका ट्यूटोरियल बनाएंगे। देखिए छत के खलारे समेटे नहीं जाते, और नए नए पंगे फिर कहाँ से लूँ मैं, पहले तो पंगे ख़त्म नहीं होते। अच्छा आज अगर किसी के बर्थडे है ना
तो मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ आपके नसीब में लिखे, और आप लोगों के सदके मेरे भी नसीब बहुत अच्छे करें। आमीन सुब आमीन। ये भी बड़ा मज़े का फ्लफी सा टेक्सचर है, इसको डिप करूँ। ये मडी टेक्सचर जिसको बोलते हैं ना, वो है। ये देखें, बस पानी में डिप करो, साथ ही नरम हो जाता है ये, जैसे कॉटन कैंडी होती है ना। थोड़ी खामोशी हुई है, मम्मा छत पर आई नहीं, मम्मा ने व्लॉग शूट ही नहीं किया, मम्मा कल बिजी थी, आज भी बिजी है। नीचे उन्होंने वॉशिंग मशीन लगा ली है, लो पड़ो जी। मैंने ये तो कर दिया ग्रम्बल, थोड़ा सा किया है, ज़्यादा किया ही नहीं जा रहा, सख्त हो जाते हैं ना। ये प्योर है, ठीक है, ये बिल्कुल प्योर टेक्सचर है, यानी इसको सिफ्ट किया, इसमें कोई भी ग्रेन नहीं है। ये देखे, ये प्योर है, ये देखें। मैं व्लॉग एडिट नहीं करती, मैं बस जो है ना उसकी साउंड जो है ना वो बढ़ा देती हूँ, क्योंकि साउंड बढ़ाने से ना आवाज़ अच्छी और क्लियर आती है, वरना आप लोगों को क्लियर कभी भी ना आए एडिटिंग के बगैर, आए मीन्स के कम आए, तो मैं इसलिए जो है ना वो लास्ट में साउंड ही बस बढ़ाती हूँ, बाकी मैं कुछ भी जो है ना वो एडिट वगैरह नहीं करती, आप लोगों के सामने होता है। पाँच दफ़ा हो जाता है जहाँ पे ज़्यादा ही शोर हो जाए ना, तो वो एडिट करना पड़ता है मुझे। अब मोस्टली लोगों का धूप में बैठना बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर वो बच्चे और सभी जो है ना छत पे ही रहते हैं कि धूप है, चलो धूप में बैठ जाएं, धूप में बैठ जाएं। गनीमत है ना धूप भी इंसान के लिए, सच में यही धूप हमें गर्मियों में वो क्या उसको कहते हैं नुकसान दे रही होती है, और सर्दियों में सुकून। चलो इसको भी छोड़ते हैं, गोल्डन सैंड की क्रम्बलिंग करती हूँ, पहले इसकी क्रम्बलिंग करते हैं, कल थोड़े से चंक्स बच गए थे, आज इनकी कर लेते हैं। ये देखें ना, मैं बचा लेती हूँ, एक ही दिन में सारा तबाह कर दूँगी, तो अगले दिन के लिए ख्याल रखूँगी। हाथ फ्रीज हो गए बस,
अच्छा जनाब, ओके। कल आप लोगों को मज़ा आया इसकी क्रमलिंग देख के, थैंक यू सो मच पसंद करने के लिए। इसकी भी क्रमलिंग करते हैं, ये देखें ना, ये बड़े मैंने चाव से रखे थे कि इसकी मैं ना एक क्रमलिंग वीडियो रिकॉर्ड करूँगी स्टार शेप की। इसके ऊपर पेस्ट पोर करते हैं, ठीक है। ये पेस्ट ना हाथों पे बड़ा लगता है, फिर मैं फुल मगन हो गई हूँ इसको क्रम्बल करते 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 करते, इंसान अपनी सोचों में गुम हो जाते हैं। और ऐसे पता भी नहीं चलता कि आप कितनी देर पाँव के बल बैठ गए हो, पता ही नहीं चलता। लो भाई ये देखें, यहाँ पे धूप है, ये मैं हूँ, ये मेरा झुंडा है और यहाँ क्रम्बलिंग हो रही है। थक्का टेक्सचर है, थका देने वाला है, क्रम्बल नहीं होगा। यार ये टेक्सचर मेरा फेवरेट है, जिसको मेरा दिल नहीं करता क्रम्बल करने को, फिर वो ज़ाया ना हो जाए। है बड़ा फ्लफी सॉफ्ट,
इसकी बाड़ी पता नहीं कब आनी है। मैं इसको ऐसे ही क्रम्बल कर देना सारा। सारे टेक्सचर हार्ड हुए पड़े। व्हाइट कंक्रीट ही करते हैं इसको। उठाऊं मैं ये? देखे मैंने ना इसको कवर करके रखा क्योंकि इसके ऊपर बड़ी डस्ट पड़ती थी, तो अब मैंने इसको कवर ही कर दिया कपड़े के साथ ना। इतनी गंदी आवाज लगती है, कीच कीच की। जिम चौक की तरफ आते हैं। ये देखो मैंने ना इसको अच्छे से कवर कर दिया था यार, फायदा कोई नहीं होता फिर इनको। ऐसी ये मुल्तानी मिट्टी है, बेचारी खे खा रही है कट्टा ही खा रही है बस, और इसका कोई नहीं है। ये देखे अब ये जिम चौक देखे ना, साफ सुथरा है। इसको मैंने उस दिन से कवर करके रखा है ना, तो ये भाई साफ है। बाहर देखने के चक्करों में तुम मेरी शेपे तोड़ जाती हो। धूप में खड़ी हो रही हो। पहले थोड़ा ले लो। चलो अब इसको कवर कर देते हैं फिर, क्योंकि मुझे पता है ना इसको कवर ना किया तो फिर इसकी मत बच जानी। ये देखे ना इसको भी ऐसे डांप देते। सो जनाब ये था आज का ब्लॉग। होप सो कि आपका ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाबा, टाटा, अल्लाह हाफिज़, फी मानिल्ला।